गुड आफ्टरनून यूरी वन सो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम सेट फर्स्ट सो लेट्स क्वेश्चन नंबर सेवन इन द दिन फिगर साइड में देख लीजिए फिगर है ट्राइंगल ए बी सी इन दिस ट्राइंगल पॉइंट ए डी सी आर कोलिनियर पॉइंट एंड पॉइंट बी ई सी आर कोलिनियर मतलब ऑन सेम लाइन है सेगमेंट डी ई पैरल टू साइड ए बी इफ ए डी इज इक्वल टू फाइव डी सी इज ठू थ्री बी सी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फोर देन फाइंड बी ई सो फिगर में देख लीजिए बी ई एक्स गिवेन है सो बी ई एक्स है इसके वजह से हमें ए सी है सिक्स पॉइंट फोर माइनस एक्स क्योंकि टोटल बी सी सिक्स पॉइंट फोर है सो लेट्स सोल्यूशन कर लेते सो देखिए इन दिस ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है सेगमेंट डी ई पार्लल टू साइड ए बी सो मैं गिवन लिख देता हूँ सेगमेंट डी ई पार्लल टू ए बी सो लाइन पार्लल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल देन डिवाइड्स रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन ये क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम है क्या है थेरम लाइन पार्लल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल देन डिवाइड्स रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन सो बाय दिस थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं देखिए रेशियो में डिवाइड करना है रिमेनिंग टू साइड्स को डी सी बाई ए डी इज टू हम लिख सकते हैं ई सी बाय बी ई बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखिए इसमें डी सी हमें गिवन है थ्री ए डी फाइव सो रेशियो मिलेगा थ्री बाय फाइव इज एकल टू ई सी देखिए फिगर में सिक्स पॉइंट फोर माइनस एक्स सो so, इसी के जगह पे लिखेंगे सिक्स पॉइंट फोर माइनस एक्स और बी ई एक्स so, सो रेशियो मिलेगा लाइक दिस देन देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं ये जो x है डिनोमिनेटर का थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें मिलेगा थ्री इंटू एक्स और राइट साइड में देखिए डिनोमिनेटर का फाइव राइट साइड में आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा सो हमें मिलेगा फाइव इन ब्रैकेट सिक्स पॉइंट फोर माइनस एक्स इन दिस वे देन नेक्स्ट थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स मिलेगा और राइट right साइड में फाइव इंटू सिक्स पॉइंट फोर है सो सिक्स फोर ट्वेंटी सो टू कैरी हो जाएगा देन फाइव सिक्स थर्टी थर्टी प्लस टू थर्टी टू और वन डिजिट बाद डेसिमल है सो so हमें यहाँ पे ओनली थर्टी टू मिलेगा करेक्ट ना देन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फाइव एक्स इट मीन्स टोटल टर्म हमें यहाँ पे मिलेगी थर्टी टू माइनस फाइव एक्स देन नेक्स्ट स्टेप में ये जो फाइव एक्स है शिफ्ट करेंगे राइट right साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा सो लेट सी थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स मिलेगा लेफ्ट साइड में और राइट right साइड में थर्टी टू एज इट इज देन फाइव प्लस थ्री एट एक्स इज इक्वल टू थर्टी टू देन यहाँ पे देखिए ये जो एट है मल्टीप्लाई विथ एक्स है शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा इट मीनस हमें यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू मिलेगा थर्टी टू बाय एट सो एट से डिवाइड होता है थर्टी टू तो एट वन जार एट एट फोर जार थर्टी टू सो एक्स इज इक्वल टू कितना मिला है फोर बट एक्स क्या है फिगर में देखिए एक्स मीन बी बी इज इक्वल टू फोर यूनिट और यही हमारा टारगेट था यहाँ पे फाइंड द बी करके क्वेश्चन था सो बी इज इक्वल टू फोर यूनिट यहाँ पे हमें मिल चुका है सो इन दिस वे आपका क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे कंप्लीट हो गया देन लेट्स क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्वेश्चन नंबर एट इन द एडजनिंग फिगर फिगर देख लीजिए हाँ, सेगमेंट पी ए सेगमेंट क्यू बी सेगमेंट आर सी सेगमेंट एस डी आर परपेंडिकुलर टू लाइन ए डी ओके ए बी इज इक्वल टू सिक्सटी बी सी इज इक्वल टू सेवेंटी सी डी इज इक्वल टू एटी पी एस इज इक्वल टू टू एट जीरो टू हंड्रेड एटी देन फाइंड पी क्यू क्यू आर एंड आर एस ओके, okay. सो so, देखिए यहां पे सॉल्यूशन करना है फॉर दिस पी क्यू क्यू आर एंड आर एस के लिए सो लेट्स सी हाँ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट हार्ड नहीं है सिंपल है थोड़ा लेंदी लिखना पड़ेगा देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो सबसे पहले लिखेंगे हम सेगमेंट पी ए क्यू बी आर सी एंड सेगमेंट यस डी आर टू लाइन एडी ओके okay. इसी का मीनिंग क्या है इन शॉर्ट मीनिंग है ये जो सेगमेंट्स है पी ए क्यू बी आर सी ये क्या है पैरल टू इच अदर है करेक्ट ना सो so, वही लिखेंगे परपेंडिकुलर का मीनिंग देखिए परपेंडिकुलर मतलब ये पैरल ही है करेक्ट ना सो so, मैं यहां पे लिखता हूं सेगमेंट पी ए पैरल टू सेगमेंट क्यू बी क्यू बी पैरल टू सेगमेंट आर सी एंड आर सी पैरल टू यस डी करेक्ट यही मीनिंग है उसका इसी so, को बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट देन देखिए हमें यहां पे पी क्यू फाइंड आउट करना है क्यू आर फाइंड आउट करना है आर एस फाइंड आउट करना है सो so, मैं यहां पे पी क्यू मान लेता तो हूँ एक्स क्यू आर मान लेता हूँ वाई देन हमें आर सी मिल जाएगा सो लेट सी लेट पी क्यू बी एक्स एंड क्यू आर बी वाई अब देखिए फिगर में देख लीजिए पी एस जो है पी एस इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू बाय क्यू एस करेक्ट ना फिगर में देखेंगे तो समझ में आएगा पी क्यू प्लस क्यूएस इज इक टू पी एस होता है टोटल लेंथ मिल जाएगी सो so, मैं यहां पे लिख देता हूं रिलेशन पी एस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस करेक्ट ना क्यों ऐसा किया क्योंकि हमें यहां पे फाइंड आउट करना है पी क्यू करेक्ट ना सो so, यहाँ पे अनो ने पी क्यू सो मिल जाएगा वो सो पीएस देखिए पी एस है टोटल है हमें कितना देखिए स्टेटमेंट में टू एटी ओके okay? और हमने पी क्यू मान लिया एक्स सो लेट्स मैं पुट कर पूरी पी एस के जगह पे टू एटी लिख देता हूँ पी क्यू के जगह पे एक्स लिख देता हूं और क्यूएस एज इट इज ओके सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे क्यूएस के, के फॉर्म में लिखेंगे मतलब क्यू एस इज इक्वल टू हमें मिलेगा टू एटी माइनस एक्स इन शॉर्ट आपको जो एक्स है लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो माइनस हो जाएगा मतलब आपको मिलेगा टू एटी माइनस एक्स और इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड ओके इसका आगे चल के यूज करेंगे देन हमें एक्स मिल जाएगा सो so, लेट्स यहाँ पे देखिए फिगर में पी ए पैरल टू क्यूबी है क्यूबी पैरल टू एस डी है ना अभी जो हमने लिखा है देन हम यहां पे यूज कर सकते प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरल लाइन्स ये तीनों लाइन्स पैरल टू अदर तो है ओके okay? सो so, मैं लिख देता हूँ ये तीनों लाइन्स पैरल है देन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल यूज करेंगे क्या है प्रॉपर्टी ये जो पैरल लाइन्स है साइड को क्या कर रही है सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है करेक्ट यही प्रॉपर्टी है मतलब हम यहाँ पे रेशो लिख सकते हैं ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू एस फिगर में देख लीजिए कौन सा रेशो लिख रहा हूँ मैं ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू एस ओके बाई प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरल लाइन इससे पहले हमने प्रॉपर्टी देखी है ओके सो so, अब यहां पर देखिये बट यह जो बी डी है ना फिगर में देख लीजिए बी डी जो है उसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिखेंगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं देखिये बीसीडी ऑन सेम लाइन है तो हम यहां पर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी बी डी के जगह पे ओके सो नेक्स्ट स्टेप में वही कर रहा हूं मैं ए बी एज एट इज और डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं बी सी प्लस सी डी और राइट साइड एज एट इज रहेगी पी क्यू बाय क्यू एस देन देखिए ए बी हमें गिवन है स्टेटमेंट में सिक्सटी बी सी गिवन है सेवेंटी एंड सी डी गिवन है एटी तो यहाँ पर वैलीज पुट कर लेते न्यूमरेटर में सिक्सटी आएगा और डिनोमिनेटर में सेवनटी प्लस एटी देन राइट साइड देखिए पी क्यू ए सो पी क्यू तो हमने कंसिडर किया है एक्स और क्यू एस जो अभी हमने इक्वेशन सेकंड में लिखा है क्यूस क्या है टू एटी माइनस एक्स सो दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू के जगह पे लिखेंगे एक्स और डिनोमिनेटर में टू एटी माइनस एक्स इन देखिए नेक्स्ट स्टेप में सिक्सटी एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर का लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए सेवनटी प्लस एटी है तो दोनों की एडिशन हो जाएगी सेवनटी प्लस एटी कितना होता है वन फिफ्टी सो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे न्यूमरेटर एज इट इज सिक्सटी और डिनोमिनेटर right में वन फिफ्टी और राइट साइड में देखिए एज इट इज रहेगा एक्स डिटी माइनस एक्स देखिए पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा करेक्ट ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा देन और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते देखिये न्यूमरेटर में सिक्स है डिनोमिनेटर में फिफ्टीन है तो ये सिंप्लीफाई होता है थ्री टूजा सिक्स थ्री फाइजा फिफ्टीन इन दिस वे तो हमें नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में रेशियो मिलेगा टू बाई फाइव इज इक्वल टू राइट साइड एज इट इज एक्स बाय टू एटी माइनस एक्स इन दिस वे देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं कैसे देखिए जो डिनोमिनेटर में टू एटी माइनस एक्स है न्यूमरेटर में आ जाएगा लेफ्ट साइड में मतलब टू के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा लेट्स टू इन ब्रैकेट टू एटी माइनस एक्स और राइट साइड में क्या रहेगा 5 into x मतलब 5x डायरेक्ट लिख दे तो चलेगा देन ये जो 2 है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इन ब्रैकेट 280 है सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा 560 करेक्ट ना 28 है तो 560 मिलेगा और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 into x 2x सो so लेट्स सी माय नेक्स्ट स्टेप में लिख दो तो 560 2x इज इक्वल टू फाइव एक्स एज इट इज ये जो टू एक्स है माइनस वाला शिफ्ट करेंगे राइट right साइड तो प्लस हो जाएगा सो फाइव सिक्सटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाइव एक्स प्लस टू एक्स सो फाइव एक्स प्लस टू एक्स सेवन एक्स करेक्ट अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई विथ एक्स है सेवन शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा मतलब एक्स इज इक्वल टू हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा फाइव सिक्सटी डिवाइड सेवन सो लेट सी एक्स इजिकल टू लिखते हैं फाइव सिक्सटी डिवाइड सेवन सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेट सी सेवन वन झार सेवन सेवन एट जार फिफ्टी सिक्स और ऊपर ओवरऑल जीरो मतलब एक्स इजिकल तो हमें यहां पर मिलेगा एटी करेक्ट ना एटी यूनिट बोल सकते हो क्योंकि ये डिस्टेंस है लेंथ है किसकी लेंथ है ये

ये पी क्यू फाइंड आउट करते समय हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिखा था क्या लिखा था इक्वेशन सेकंड देखिए क्यू एस इज इक्वल टू टू एटी माइनस एक्स करेक्ट ना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्यूएस इज इक्वल टू टू एटी माइनस एक्स सो इससे हम क्यू एस फाइंड आउट कर सकते हैं पहले क्यू एस निकाल देते हैं देन हम क्यू आर निकाल सकते हैं सो लेट सी क्यू एस इज इक्वल टू हमें मिलेगा एक्स की वैल्यू कितनी है एट्टी है सो so इसमें एट्टी लिख देते क्यू एस इज इक्वल टू टू एटी माइनस मतलब

क्यू आर एंड आर एस फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, फिगर में देख लीजिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस आर एस सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो फॉर दिस देखिए यहाँ पे ये यह जो क्यू एस है टू हंड्रेड है और क्यू आर हमने कंसिडर किया है वाई आर एस एज इट इज रखते हैं तो मैं क्यू एस की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ टू हंड्रेड क्यू आर के जगह पे वाई लिख देता हूँ और आर एस एज इट इज लाइक दिस Then, थोड़ा सा रिअरेंज करके लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू हमें मिलेगा टू हंड्रेड माइनस वाई आर एस इज इक्वल टू टू हंड्रेड माइनस वाई इसी को बोलेंगे इक्वेशन नंबर थ्री ओके हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम आर एस फाइंड आउट करेंगे ठीक है so, सो इससे पहले हमने लिखा है क्यूबी पैरल टू बी सी है बी सी पैरल टू एस डी है फिर से वही दोहराना है यहाँ पे क्या लिखना है सेगमेंट क्यू बी पैरल टू सेगमेंट आर सी आर सी पैरल टू सेगमेंट ये डी क्यू लिखना ही है क्योंकि हमें यहाँ पे थेरम प्रॉपर्टी यूज़ करना है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरल लाइन्स एंड देआर ट्रांसवर्सल क्या है प्रॉपर्टी वो जो थ्री पैरल लाइन्स है वो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर लेती है ओके मतलब ये जो साइड्स है इनको <coughs> कौन सी साइड यहाँ पे देखिए बी डी एंड क्यू एस इन दोनों को सेम रेशो में डिवाइड कर लेती है तो हमें यहाँ पे लिखना है रेशो बी सी बाय सी डी करेक्ट डायरेक्ट लिख दू ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाइंस ये लिखने की जरूरत नहीं लिखना है तो बहुत अच्छे सो देखिए बीसी बाय सी डी लिख सकते हैं हम रेशो इज इक्वल टू क्यू आर बाय आर करेक्ट बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स ओके हमने ये रेशो लिख दिया अब देखिए इसमें हमें बीसी पता है सी डी पता है क्यू आर हमने कंसिडर किया है और आर एस जो है अभी हमने इक्वेशन थ्री में लिखा है तो ऑल वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं देखिए बी सी कितना है स्टेटमेंट में गिवन है हमें सेवेंटी सी डी एटी गिवन है सो यहाँ पे हमें मिलेगा सेवेंटी बाय एटी इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए क्यू आर जो है हमने कंसिडर किया है वाई सो न्यूमरेटर में वाई मिलेगा और आर एस देखिए इक्वेशन थ्री में टू हंड्रेड माइनस वाई तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेता हूँ लाइक दिस अब देखिए जो जीरो जीरो है कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट साइड के मतलब हमें यहाँ पे रेशियो मिलेगा सेवन बाय एट इज इक्वल टू एजर इट इज राइट साइड वाई बाय टू हंड्रेड माइनस वाई ओके दिस वे देन देखिए यहाँ पे y अन है y मतलब क्या है क्यू आर है सो so, हमें यहाँ पे क्यू आर फाइंड आउट हो जाएगा सो फॉर दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा सो so, ये जो टू हंड्रेड माइनस वाई है मल्टीप्लाई में चला जाएगा सेवन के साथ न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड सो so, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ सेवन इंटू इन ब्रैकेट टू हंड्रेड माइनस वाई और राइट right साइड में देखिए वाई के साथ एट मल्टीप्लाई में आ जाएगा सो so हमें मिलेगा एट वाई देन लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप सेवन मल्टीप्लाई कर लेते ब्रैकेट के साथ सेवन इंटू टू हंड्रेड कितना होता है फोर्टीन हंड्रेड वन फोर डबल जीरो करेगा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड बोल सकते हो और सेवन इंटू वाई सेवन वाई देन राइट साइड एज इट इज एट वाई देन देखिए ये जो सेवन वाई है शिफ्ट करेंगे राइट right साइड तो प्लस हो जाएगा माइनस का प्लस होता है तो सेवन प्लस एट कितना होता है फिफ्टीन होता है मतलब राइट right साइड में फिफ्टीन वाई मिलेगा और लेफ्ट साइड में ये जो वन थाउजेंड फोर हंड्रेड है एज इट इज और राइट right साइड में देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सेवन प्लस एट आपको मिलेगा फिफ्टीन वाई इन दिस वे देन हमें यहाँ पे वाई फाइंड आउट करना है सो वाई इज इक्वल टू देखिए ये जो फिफ्टीन है मल्टीप्लाई में है शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड चला जाएगा करेक्ट ना सो so, हमें वाई इजिक्वल टू मिलेगा वन फोर डबल जीरो डिवाइड फिफ्टीन सो इसको सिंप्लीफाई करना देखिए फाइव से कर लेते हैं फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन करेक्ट और न्यूमरेटर में देखिए फाइव टू ज़ार टेन आ जाएगा क्योंकि फोर्टीन है तो थ्री से तो नहीं होगा फाइव टू ज़ार टेन और फाइव एट ज़ार फोर्टी करेक्ट ना और ऊपर वाला एक जीरो तो हमें यहाँ ये कैंसल करने के बाद टू एट जीरो मिल जाएगा इन दिस वे वाई इज इक्वल टू मिल चुका है टू एट जीरो डिवाइड बाय थ्री अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल फॉर्म आ जाएगा रहने दीजिए ऐसा ही ओके ना यही रहने दीजिए बट वाई इज इक्वल टू क्या है वाई हमने कंसिडर किया था क्यू आर सो क्यू आर इज इक्वल टू हमें मिला है टू एट्टी बाय थ्री मतलब सेकंड वन वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है हमें क्यू आर फाइंड आउट करना था पहले पी क्यू देन क्यू आर अभी लास्ट है आर एस फाइंड आउट करना सो आर एस के लिए हमने इक्वेशन थ्री में रिलेशन लिखा है वाई <coughs> के फॉर्म में आर एस इजिकल टू क्या लिखा है हमने टू हंड्रेड माइनस वाई इक्वेशन थ्री से लिखा ये ठीक है ना अब देखिए वाई तो हमें पता है वाई मतलब क्यू आर ए कितना है वो टू एट्टी बाय थ्री सो वाई के जगह पर लिखेंगे टू एट्टी बाय थ्री सो आर एस इजिकल टू हमें मिलेगा लाइक दिस टू हंड्रेड माइनस टू एट्टी बाय थ्री सो ये जो थ्री है टू हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसको सिंप्लीफाई करना है तो कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए सो टू हंड्रेड इंटू थ्री नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा आर एस इज इक्वल टू टू हंड्रेड इंटू थ्री माइनस टू एट्टी डिवाइड थ्री देखिए अभी कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं पहले कर लेते टू हंड्रेड इंटू थ्री सिक्स हंड्रेड सो सिक्स हंड्रेड माइनस टू एटी डिवाइड थ्री मिलेगा करेक्ट ना इन दिस में सो सिक्स हंड्रेड माइनस टू एटी कितना होता है यहाँ पे हमें मिलेगा थ्री ट्वेंटी करेक्ट थ्री ट्वेंटी डिवाइड थ्री एज इट इज सो आर एस इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी डिवाइड थ्री अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी डेसिमल फॉर्म आ जाएगा <coughs> ये जो है लेंथ है तो इसको यूनिट लास्ट में लेके क्यू आर के लिए भी यूनिट लिख दीजिए ठीक है ना इन दिस में आपका एट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल था जस्ट थोड़ा सा लेंथी था ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा रुकते हैं यहाँ पे, थैंक यू